ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਕੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਾ ਜੰਮਦੇ गुरुद्वारे में इन्हें भूखे मरे लंगर नाल गुरुद्वारे चलो सर आपकी फीस कितनी इंडिविजुअली बात करने का ये नतीजा है सर कल आपका स्कूल का टीचर एक बीमार था आप सारा स्टाफ गए थे सारा स्टाफ क्यों गए एक से क्यों नहीं काम चला क्योंकि जो घर के पेरेंट्स बीमार हैं तो टेंशन सबके लिए है ना एक पेरेंट्स बीमार हैं तो टेंशन सब पूरे परिवार में होती है ना वैसे ही जैसे आप कल गए हैं एक पेरेंट एक टीचर बीमार था उसके लिए सारा स्टाफ घर पे बेटे का उसका बाप ठीक नहीं है तो वो जाए टाइम से आप अभी अगर तो ये मेरे बेटा है इसका बेटा जिसका मर्डर किसके बेटा है ना ना हम डरते हैं हम सारे बहन भाई हैं हम सभी बहन भाई हैं हम सभी बहन भाई हैं हमारे भाई जी एक जगह ही एक हो नहीं सकते मेरे पापा आप एक हो तो हम भी एक हो सकते हैं आप सारा स्टाफ साहब बहन जी ये अपना घर नहीं है ये समझ ले बात है इसी क्या कहते हैं आपने खुद बोला था कि लेटर लिख के दो मुझे मैं कॉल करूंगा किसी को कॉल नहीं किसी का कॉल नहीं ठीक है जिन्होंने कॉल आया वो करा देगा उन पेरेंट्स को आपने मिलने का टाइम नहीं दिया हुआ ठीक है हम लोग ये नहीं बोल रहे कि हम फीस पे नहीं करेंगे हम ये बोल रहे हैं कि सर कुछ हो सकता है वो बताइए हमें मोनिका मेरा नाम है हाँ जी की है जी दसो सर मैं ना मिलन आई ही फादर नो ते मैं कही मेरी दो बेटियां पढ़दियां वा ते एक बेटी का कुछ लैस कर दो जे एक दा चलो फुल ले लो भी ते अगो कहंदे है कि तानू बच्चे जम्मन दी की लोड़ ही जे बच्चे जम के ता पढ़ा नहीं सकदे ते फिर बच्चे ही ना जम्मदे किस जगह ते आए किस फादर ने कहया गया सैन फ्रांसिस्को स्कूल आए हां किस जगह ते जेड़े इना दा मेन फादर है का वा नहीं स्कूल केड़ी जगह ते आ रानी के बाग स्कूल है इना दा ते हुन ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਲੈ ਲੈਣ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਡੀਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਪੜਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਈ ਆ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਨਰਸਰੀ ਇੱਕ ਹੁਣ 5th ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਪੜਦੀ ਆ ਹੁਣ 5th ਕਲਾਸ 'ਚ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਆ ਉਹ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ
स्कूल प्रशासन वालों रफ बोलिया जा रहा है बहुत ज्यादा मेरे ना नहीं बाकी मेरी भैन जो दूजिया भी उन्होंने भी बहुत रफ बोलिया गया वा इदा नहीं बोलते कि जाओ इतो जा नहीं गल सुनी जानी सीधा कहते निकल 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 इदा करके बोलते हैं सर मेरा नाम सरबजीत कौर है मेरी बेटी मतलब कि सैंट फ्रांसिस स्कूल पढ़ती पई हाँ सारे इन्होंने मैं आके रिक्वेस्ट भी की कि मेरी दो बेटियां वा मैं मतलब कि इन्नी फीस पे नहीं कर सकती तो उन्होंने मैं कहा कि मेरे हसबेंड एक टैक्सी ड्राइवर आ उन्होंने कहा कि प्रूफ लिया के खाओ कि तुहाडे हसबेंड टैक्सी ड्राइवर है सर तुसीं दसो कि मैं प्रूफ भी देवां हुण फिर उन्होंने कहा तुसीं इन्ने वधिया कपड़े पा के आए तुसीं इन्हां दी वाइफ ही नहीं लगदे फिर सर मैं अपनी फोटो विखाई है फोटो वेख के फिर उन्होंने मनिया कि वाकई तुम्हें ये वाइफ ये कोई फादर मैं समझती नहीं पी कि इन्ने इन्हों गलत लैंगुएज आ कि एक हिसाब से एक बेइज्जती करवा के अंदरों निकलने वाला हिसाब है पेपर आज बच्चों की क्या गया सर बच्चों का पेपर आ उस बार ये कहा गया कि अगर तुम फीस पे नहीं करोगे तो बच्चों एग्जाम नहीं देन देवे बच्चों पढ़ते साढ़े नौ साल हो गए हूँ नाइन्थ में है सर बच्चा सा तो सर कह रहे अगर फीस नहीं भी पे कर सकते एग्जाम भी देवे देना मन तुम दे सकते तो बच्चा भी ज़्यादा करोगे तो अपना बच्चा लैके स्कूल वापस स्कूल प्रशासन किस तरह की रफ बोली बोल बहुत सर गंदी रफ बोली बोलता इतों तक कि हसबेंड वाइफ के प्रूफ मंगते पे है कि तुम इन्हें वाइफ हो तुम कपड़े पा के सर वेखो ये कपड़े पा के स्कूल आना वा कि हम फटे पुराने कपड़े पा के ये प्रूफ देना हों फिर कहें मतलब तुम कितों आए जे वो वा जे तुम अपने को साइन करते पे जे इस तरह मतलब कि बोलते पे आ तो मतलब कि इन्नी गंदी लैंगुएज है ना कि फादर तू तू कह के बोलता पाया वा चलो बार इस तरह कही जाता चलो बार जी बैठे भी हैं जी स्कूल प्रशासन वालों यही किया गया भी तुहाडी कोई लैस नहीं करनी एडमिशन फीस कुछ नहीं करना तो तुम इतों जाओ बस किन्नी देर हो गई तुहाडे बच्चों इतने पढ़ते हैं साढ़े बच्चे शुरू तो आ रहे हैं नर्सरी तो किस तरह की बोली है जिहड़े प्रिंसीपल पहला तो बिल्कुल वधिया सी पर आ हुण कोरोना विच दोनों बड़ी साल पता लग गया भी किस तरह बोल रहे हैं सर ए फादर पर फादर ना अज ही वेख्या सी भी बहुत गंदी लैंगुएज बोल रहे हैं तू तू करके बोलते हैं ऐं भजाउण डे आ कमरे विचों सारियां वीडियो हुई वा इत्थे अपलोड ते बच्चियां दे पेपर भी हैगे जी हाँ जी पेपर आ ते की गया पेपर लो कहिंदे भी बैठण नहीं देना जिन्हां ने एडमिशन नहीं दित्ती उन्हां दे बच्चियां नूं पेपर नहीं देण दे अज तक अनेक दुखी भैन भरावां दे घरां नूं बसाउण वाले मनीष आचारिया संपर्क करो 9969900755 पता फगवाड़ा पंजाब तकदीर कदों बदलेगी सच्चा प्यार मिलेगा जां नहीं खोया प्यार वापस पाउणा लव मैरिज सौदन दुश्मन तों छुटकारा जमीनी झगड़ा बीमारी च दवा ना लगना विदेश च पक्का होना कर्जा मुक्ति दे विशेष उपाय जाणो गुप्त वशीकरण कराओ मन चाहा प्यार पाओ लाटरी नंबर पाओ भावें 649 होवे जां लुट्टो मैक्स प्यार च धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर संपर्क करो मैं तुहाडा प्यार टुटन नहीं देवांगा 9969900755